अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स का, ओल्ड मॉडल है ये। और ये मैं आपको मॉडल भी चेक करा रहा हूँ, X609। तो इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सिम जो है सिम नहीं उठा रहा। ठीक है, ये देख लें, नो सिम कार्ड इसमें आया हुआ है। ये सिम में लगा के आप दोस्तों को भी चेक कराता हूँ। तो ये तो ओल्ड मॉडल है, लेकिन जितने भी न्यू मॉडल हैं इन्फिनिक्स के, टेक्नो इन्फिनिक्स, वीवो जो भी हो गए, इन सब का एक ही मसला होता है। तो ये मसला मैंने ट्रेस किया, उसके बाद इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। छोटा सा इसमें मसला था, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी होती है। तकरीबन मोबाइलों में यही मसला होता है। ये देखें, सिम मैंने लगाई है, लेकिन ये सिम शो नहीं कर रहा। मोबाइल को मैं रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करने के बाद भी देखते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें मसला क्या आता है वो ही आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये देख लें, अभी भी इसमें नो सिम का मसला आ रहा है। ठीक है, सिम हमने लगाई हुई है, जैकेट इसकी बिल्कुल क्लियर है, सिम वाली जो इसकी जैकेट है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मसला किस चीज़ में है वो मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इस मोबाइल की जो बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद मीटर पे चेक करेंगे पॉइंट। इसके सिम वाले सारे मैं आप दोस्तों को चेक कराता हूँ, सब में वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन ये सिम जो है इसकी वर्क नहीं कर रही। तो मीटर को यहाँ पे सेट करते हैं, और उसके बाद मैं आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये मीटर जो मैंने बज़र मोड पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल का जो है वो फॉल्ट मालूम कर सकते हैं। नो सिम के मसले में जो भी मोबाइल आए, तो उसको चेक करने का यही तरीका है जो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ इस मोबाइल को। तो मीटर को बज़र डाइवर्ट मोड पे मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। एक प्रोब ग्राउंड कर रहे हैं, तो ये देखें, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड वाला इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, और पॉइंट्स डैमेज भी नहीं है इसके, ठीक है। और दूसरी साइड से इसको देखते हैं, यहाँ से आप अगर देख सकते हैं, तो ये मैं आप दोस्तों को क्लोज से चेक करा रहा हूँ। सिम के जो पॉइंट है नीचे बिल्कुल ठीक है, जो इसकी पिन है वो बिल्कुल क्लियर हैं, इनमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, और अभी इनकी भी हम GR लेंगे। तो यहाँ पे इस साइड पे हम देखते हैं कि इसमें दो पॉइंट, आगे वाली साइड पे दो पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है। ये यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें, इस पॉइंट में भी आ रही है, और ये सेंटर वाला तो हाल ही होता है, ठीक है, हर एक मोबाइल का। और यहाँ पे ये वाला ग्राउंड आ गया, ठीक है। तो फिर मसला है इसमें दोस्तों कहाँ से आया है, ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि तमाम पॉइंट्स इसके क्लियर हैं, सिम जैकेट भी इसकी ठीक है, टूटी हुई नहीं है, फिर ये सिम क्यों नहीं उठा रहा। तो इसमें एक ही पॉइंट का मसला होता है दोस्तों, ये तमाम मोबाइल जो हैं टेक्नो इन्फिनिक्स के हो गए, वीवो के हो गए, उसमें एक पॉइंट होता है जिसमें मिस हो जाता है अक्सर, उसकी वजह से फिर मोबाइल सिम डिटेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, ये देखें, ये वाला ये सिम डिटेक्ट का पॉइंट है दोस्तों। ये इसमें मैं आप दोस्तों को वैल्यू भी चेक कराता हूँ। दरअसल ये सिम डिटेक्ट का जो पॉइंट होता है, इसमें वैल्यू होती है, और 1.8 वोल्टेज भी आते होते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है CPU से कनेक्ट होता है। जब हम सिम लगाते हैं, तो CPU को पता चल जाता है कि सिम लगा दी गई है, तो सिम का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें, यहाँ पे वैल्यू इसमें आ रही है, ठीक हो गया, इसमें वैल्यू शो कर, और
ये दूसरा वाला जैक मैं आप दोस्तों को चेक करा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे आप दोस्तों को दो पिनें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, एक ग्राउंड की और इसके साथ सिम डिटेक्ट वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट किस तरह से काम करता है ये देखें, सिम मैंने यहाँ पर इस तरह रखी हुई है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, जब हम सिम डालते हैं तो ये डिटेक्ट वाला पॉइंट जो है ये ग्राउंड के साथ टच हो जाते हैं और CPU को मालूमात हो जाती है कि सिम लगा दी गई है, तो सिम शो कर दी जाती है। तो ये वाला पॉइंट सिम जैकेट से टूटा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू तो शो कर रहा है लेकिन आगे इसकी पिन जो है, इस जैक में पिन टूटी हुई है, दूसरे वाले में नज़र आ रही है इसमें टूटी हुई है। तो अभी इसका सिंपल सा तरीका दोस्तों, अगर इस तरह का मसला है आपके पास तो ये डिटेक्शन वाला जो पॉइंट होता है, सिम डिटेक्ट का जो पॉइंट होता है, ये आप दोस्तों ने लाजमी देखना है, इसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती, हालांकि छोटा सा मसला है लेकिन इसकी वजह से अगर ये दूसरे जैक में भी आप सिम डालेंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको ऑलरेडी हम यहाँ से ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सिम लगाने के बाद शॉर्ट होता था, जब हम सिम लगाते हैं तो ये ग्राउंड के साथ टच हो जाता है और CPU को मैसेज चला जाता है कि सिम लगा दी गई है, तो सिम शो हो जाती होती है। और अगर इस पॉइंट पे आप अगर 20 DC पर मीटर को रख के चेक करेंगे तो 1.8 वोल्टेज भी आप दोस्तों को शो होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड के साथ टच कर दिया है इस तरह से, ये सिम डिटेक्ट वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ ऑलरेडी टच हो गया, यहाँ से ठीक हो गया। तो इस पॉइंट में इसके मसला था जिसकी वजह से ये सिम डिटेक्ट नहीं हो रही थी और CPU को मैसेज ही नहीं जा रहा था। तो अगर इस तरह ये पॉइंट मिस हो जाए यहाँ से, ये देखें जैकेट से टूटा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड है लेकिन इसके साथ जो सिम डिटेक्ट वाला पॉइंट है वो टूटा हुआ था, तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड के साथ टच कर दिया। अभी सिम डालते हैं और दोबारा मैं आप दोस्तों को ऑन करके चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये पॉइंट जो हमने ग्राउंड के साथ टच किया है, इसमें सिर्फ एक ही मसला होगा, जब आप दोस्त सिम लगाएंगे तो ये ऑटो कनेक्ट नहीं होगी, मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर इस तरह आप ग्राउंड के साथ इसको टच करेंगे तो ये जब भी सिम निकालेंगे या लगाएंगे, सिम अगर चेंज करनी हो तो ये सिम उस वक्त तक डिटेक्ट नहीं होगी जब तक आप मोबाइल को रीस्टार्ट नहीं करेंगे, मोबाइल को बंद करके ऑन करना पड़ेगा। तो अभी मोबाइल को मैंने रीस्टार्ट किया है और वीडियो को जल्दी से स्किप भी किया मैंने, अभी देखें यहाँ पे आप दोस्तों को मैं चेक करा रहा हूँ, ये देखें अभी नो सिम कार्ड का जो ऑप्शन था यहाँ से चला गया है। और यहाँ पे देखें ये ऊपर नो सर्विस, ये नो सर्विस इस वजह से आ रहा है, पीछे देखें एंटीना होता है इसका सिग्नल वाला, वो मैंने उतारा हुआ है, ठीक है, एंटीना में लगाता हूँ और मोबाइल को दोबारा से जल्दी से मैं रीस्टार्ट करके आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। तो मोबाइल को मैंने रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट करने के बाद देखेंगे इसके सिग्नल आते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ठीक है, सिम अभी इसने उठा ली, वही सिम इसमें डाली हुई है, यहाँ पे टेलीनोर भी आ गए और सिग्नल भी इस मोबाइल के आ गए। तो इस तरह से आपने भी, अगर आपके पास इस तरह का मसला है किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में, तो सबसे पहले आपने डिटेक्शन पॉइंट इसका लाजमी चेक करना है, अगर इसमें मसला हो तो सिम नहीं उठाता मोबाइल। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।